तो गाइस आज अपन जाने वाले हैं रिशु भाई की गाड़ी से। रिशु भाई की गाड़ी ये खड़ी। गाइस अपन अपनी गाड़ी ऊपर लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हैं भाई? तो गाइस रिशु भाई बोल रहे हैं ऊपर लगा दो यार, यहाँ पे का लड़के छेड़छाड़ देते हैं गाड़ी से ना, लड़के छेड़छाड़ देते हैं यहाँ की गाड़ी। तो हाँ यार गाइस, कल एक कोई एक लोगों पर मुझे चढ़ा ही जा रहा था, यहाँ लगा दें। तो गाइस अच्छी जगह है यहाँ पे, और प्लेटिनम प्लाजा के नीचे तो कोई अपनी गाड़ी से उंगली भी नहीं देगा। तो गाइस अपन ने अपनी गाड़ी इधर लगा ली है। तो गाइस आज रिशु भाई भी हेलमेट में है, और बहुत प्यारा लग रहा है यार हेलमेट रियली रिशु भाई का भी। तो गाइस चलते हैं इंट्रो शूट करते हैं यार अपनी वीडियो का। ये न्यू वाली रोड में अपन शूट करेंगे वीडियो। एंड गाइस सही में हेलमेट एक नंबर हेलमेट है। बस भाई थोड़ा सा अभी अपग्रेड हो, मतलब अब अपग्रेड ले लेंगे रिशु भाई समय के हिसाब से, थोड़ा सा और अपग्रेड ले लेंगे। तो गाइस चलते हैं अपन वीडियो शूट करते हैं। सो हेलो गाइज, दिस इज़ बॉय रुद्र एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज अभी बच रहे हैं शाम के 5, और गाइज मैं हूँ और रिशु भाई है मेरे साथ। तो गाइज देख सकते हो ये अपने रिशु भाई खड़े हैं। जहाँ तक गाइज ब्लॉग का स्टार्ट करने के लिए तैयारी चल रही है, और भाई आज अपना हेलमेट भी लाए। मैंने कल बोला था यार अच्छा नहीं लगता यार, अपन साला खुद मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं और तुम हेलमेट नहीं पहनते तो फिर कमेंट वगैरह आएंगे। तो गाइज आज भाई भी हेलमेट लेके आए, तो भाई पहन के बताना एक बार। तो गाइज देखो कितना अच्छा है, मतलब गाइज नॉर्मल है, हल्का हेलमेट है। सबसे प्यारी बात है गाइज मेरा हेलमेट बहुत ज़्यादा वेट है, तो देख सकते हो गाइज कितना प्यारा लग रहा है हेलमेट, एक नंबर हेलमेट है। उस साइड फेस करना रिशु भाई, हाँ वही वाली स्टेप करना। तो गाइज देख रहे हो, और भाई की गाड़ी ये खड़ी है, और गाइज अपना हेलमेट यहाँ पे रखा हुआ है जैसे गाइज आपको दिख रहा होगा। तो गाइज अपना हेलमेट ये रखा हुआ है, और गाइज अपना गोप्रो ये फंसा हुआ है। तो गाइज अब जा रहे हैं गाइज, तो पूछ रहे थे रिशु भाई से कहाँ जाएंगे। रिशु भाई कहाँ जा रहे हैं आज अपन? भाई आपके रुद्र भाई को बैठना है मेरे पीछे, तो कह रहे भाई आज आप मेरे को अपने मतलब तुम्हारे पीछे बैठाओ और घुमाओ, कैसे घुमाते हो दिखाओ जरा कितनी अच्छी चलती। भाई कहते मैं नहीं डरता गाड़ी से कितनी भी तेज। तो गाइस अपन ने बोल दिया यार, अपन भी राइडर है यार, अपने पास भी जिगरा है, अपन नहीं डरते यार गाड़ी बड़ी तेज वेज चलाने से। ठीक है भाई बैठ जाओ आज आप मेरे पीछे। तो गाइस आज देखते हैं क्या रिशु भाई मुझे डरा पाते हैं या नहीं डरा पाते, तो गाइस उसका बहुत जल्दी हमें वेट रहेगा। तो गाइस बस निकल ही रहे राइड के लिए, गाड़ी भी तैयार है, हम दोनों के सेफ्टी गियर्स भी तैयार हैं, और रिशु भाई भी अपना बस इंट्रो बना ही रहे हैं। तो अपन थोड़ा दूर चल देते हैं यार कि भाई को डिस्टर्ब ना हो। तो गाइज बस टाइम निकलने का आ चुका है, गाइज सिर्फ हेलमेट पहनना है और सीधा राइड के लिए निकलना है। तो गाइज निकलते हैं अपनी राइड के लिए, और गाइज अभी हम लोग करें प्लेटिनम प्लाजा रोड पे, तो गाइज निकलते हैं राइड के लिए। तो गाइज इंट्रो वगैरह सब कुछ सूट हो गया है, तो रिशु भाई बस हेलमेट पहनना है। गाइज भाई ने हेलमेट पहन लिया है, और गाइज इसका कोई कला सा नाम बताओ यार अपने चैनल पे बताओ। भाई ने इसका कोई अभी नाम नहीं रखा है, तो इस गाड़ी का कोई प्यारा सा नाम बताओ गाइज जल्दी से जल्दी। रिशु भाई बताए ना कला वाला नाम, बताओ कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बताओ। भाई भी बोलना चाह रहे हैं कला वाला नाम। हाय ब्रो, हाय ब्रो। भाई अपने गोपलों को देख रहा था, अपन ने हाय कर दिया। गाइज एक प्यारी सी जो स्माइल आती है ना गाइज, आपके रुद्र भाई को करना है ट्रैफिक में राइड, मतलब कह रहे हैं कि भाई ट्रैफिक में मुझे डर नहीं लगता, कैसी भी गाड़ी चला लो या सीधे में भगा लो। वही तो अभी मैं यहाँ से सीधे में भगाऊंगा और फिर इन्हें ट्रैफिक में ले जाऊंगा। पहले सीधे में भगाते हैं, फ्यूल अप कराते हैं गाड़ी में, फिर चलते हैं। हाँ भाई सही बात, तो चलो तो भाई चलते हैं अपन फ्यूल अप करवा लेते हैं सबसे पहले काम, नहीं तो पेट्रोल खत्म हो जाए। वाह बेटे मौज कर दी मौज। सजना जी मैंनु छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से नहीं माना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा जान बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियो दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना, हम से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीर साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना, किस्मत मजूरी ना दे तू ही मन को भावे ना, परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी, होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं, कहने को मीना ये मोहब्बत वाला झूठा है, साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नहीं। I'm gonna make you mine.
गॉड काहे का एक्सीडेंट? ओ भाई साहब भैया यहाँ पे शायद से पहले एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा ओ भाई साहब ओ माय गॉड गाइस कितना खराब एक्सीडेंट हुआ है यार। रुक के देखो यार दिखा के आता हूँ देख के आता हूँ मतलब आ जाओ और ऋषु भाई देख के आया और देख के। तो यार गाइस हम तो अपनी मस्ती में ही घूम रहे थे लेकिन यार अभी एक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे रिसेंटली हुआ है यार हम कब हुआ है बट यार बहुत ख़राब एक्सीडेंट हुआ है यार बहुत ख़राब एक्सीडेंट हुआ है यार बहुत ख़राब एक्सीडेंट गाइस। आराम से गाड़ी चलाया करो यार पूरे सेफ्टी गियर्स के साथ। तो गाइस बहुत ज़्यादा क्या बताया गाइस को कितना ख़राब एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। यार गाइस बहुत ज़्यादा लग गई है एंड गाइस ऑटो वगैरह भी फूट चुका है ये गाड़ी तो पूरी बर्बाद हो चुकी है एंड गाइस ये ऑटो का हुआ है गाड़ी और ये ऑटो का एक्सीडेंट हुआ था। माँ कसम भाई लिटरली यार क्या बताएं खत्म टाटा बाय बाय वाली ये तो हो गया यार। लेकिन गाइस ये मतलब ये एक गाड़ी का हुआ है और आई थिंक एक जो ये ऑटो खड़ा है एक इसका हुआ है और एक उसका हुआ है। तो गाइस दो ऑटो हैं जिसमें से गाइस शायद से उसके शीशे टूटे हुए हैं अपने ऋषु भाई भी ब्लॉक करते हुए आ गए। गाइस कांच वगैरह बहुत सारे पड़े हुए हैं। वाह भाई साहब ख़राब तरीके से हुआ यार एक्सीडेंट। और यार वो ऑटो भी देख के आते हैं। अरे लेकिन ऐसा भी क्या एक्सीडेंट हो गया यार ऑटो ही पूरा ख़त्म हो गया। चलो अपन नहीं भगाएंगे भाई अब बहुत भगा ली भाई बहुत भगा ली। ऑटो और देख लेते हैं यार भाई तो ऑटो की ऐसी तैसी हो चुकी है गाइस पूरा ऑटो बर्बाद हो चुका है। अच्छा तो आपका एक्सीडेंट कर दिया हमारा कुछ नहीं है कुछ भग गए लेकिन हम तो देख के रुके ये दोनों घुड़ गए बाइक वो पड़ी है तो ये अंकल की बाइक पे घुस गए। हाँ वो बताएंगे पूरा उनकी गाड़ी में घुसने का। अच्छा यार कंप्लेन करो यार सही बात है सही बात है। तो आ गए थे जब भी हम थोड़ी देर पहले आके तो अंकल बनाइए बोल रहे अंकल से चलो यार भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पुलिस स्टेशन चलो यार। अरे भाई साहब जी अंकल घुसे हैं पूछो इनसे तुम तो थाने में जाओ रिपोर्ट डाल दो दोनों गाड़ियों को फोटो खींच ठीक है फोटो खींच लो फोटो थाने चलते हैं जाओ थाने में जाओ फोटो खींच के रिपोर्ट तो कहना गाड़ियां भी हैं भाई में दोनों जाओ चले यार तुम तो बहुत रुक रहे हैं मां चलो भाई लगी है उनके का कंप्लेन करो छोटे छोटे बच गए यार। अरे भाई मनु छोटे डेली एक्सीडेंट हो रहा है कल भी हुआ था ये भाई इसके हम केसी रोड है यार ये तो ऋषु भाई मनु छोटे भाई एक अपन चल देते भाई चल देते। देखो यार कुछ हेल्प तो कर नहीं सकते भाई अब अंकल को इतनी नहीं लगी है अंकल को थोड़ी बहुत लगी है पाँव में सबसे अच्छी बात है भाई गाड़ी तो बन जाएगी बट यार इंसान नहीं वापस आता। तो यार ऋषु भाई अब अपन को भी बहुत स्लो चलानी है यार गाड़ी। अरे यार देखो गाइस ऐसी बात है हम लोग अभी तेज भी चला रहे थे तो गाइस पूरे अपने पास राइडिंग गियर्स थे तो गाइस अपन हेलमेट लगाए हुए हैं और मैं भी हेलमेट लगाया हूँ तो ऋषु भाई भी हेलमेट लगाए तो कल को कुछ ऐसी दिक्कत होती ना तो इतना कुछ नहीं होता बट यार बिना हेलमेट के सबसे गाइस मेन चीज़ रहता है हेलमेट। अब देखो यार राइडिंग जो पूरा रहता है पूरी राइडिंग गियर्स रहते हैं फुल राइडिंग गियर गाइस उसका बजट नहीं है यार अभी हमारा परचेस करने का इसलिए गाइस कभी कभी हम लोग भी राइडिंग वगैरह करते हैं तो गाइस पूरी गाड़ी देख के चलाओ यार रियली अंकल बच कैसे गए सब लोग को ये पता नहीं चल रहा क्योंकि यार दो ऑटो आमने सामने से रुके समथिंग की गाइस एक ऑटो इधर खड़ा था एक ऑटो इधर खड़ा था और गाइस सामने से टक्कर हुई है इन दोनों की और अंकल की गाड़ी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है पूरी उसका पीछे वाला टायर आगे वाला टायर सब कुछ बैंड हो चुका है गाइस ऐसा भयानक एक्सीडेंट क्या ही बताएं यार अब। तो गाइस चलो चलते हैं अपन भी अब क्या कर सकते हैं। अरे यार लेकिन वो अंकल का अच्छा हुआ लगी नहीं भाई उन्हें बिल्कुल भी सबसे अच्छी बात यही है कि अंकल जी को लगी नहीं। अरे भाई उनको लगी नहीं देखो भाई गाड़ी ऐसी कल बन जाएगी इंसान नहीं वापस आता भाई इसलिए अब देखो उनकी गाड़ी तो पूरी ख़त्म हो चुकी है। एक चीज़ कहना चाहूँगा जिस जो वीडियो बनाने के लिए हम बाहर निकले एक्सीडेंट हो गया था भाई दो ऑटो वाले ने ठोक दी थी इस पर हाँ
नहीं 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 बच गए उनको, अच्छा हुआ ज्यादा नहीं लगी उनको, सिर्फ पाँव में लगी है थोड़ी सी। कंप्लेन करने गए ऑटो छोड़ के भग गए वो लोग, दोनों ऑटो छोड़ के भग गए। हाँ ये बात तो है। चलो यार ऋषि भाई अपन भी निकलते हैं यार, अब क्या बोले यार। चलो क्या हो गया, टूट गया क्या भाई साहब, खराब तरीके से भाई लोग के सामने हुआ होगा, भाई लोग से पूछ लेते हैं। टाइम हो गया भैया आधा घंटा, इतना भी टाइम नहीं हुआ यार, एक डेढ़ घंटा नहीं हुआ है, 15-20 आधे घंटे हुए बस भाई। तो भगाना नहीं बोलते गाइस, ये मत बोलना भगाया, विंड ब्लास्ट देख रहे थे हम, दो बस देख रहे थे, टॉप स्पीड चेक कर रहे थे गाइस, कोई भगा नहीं रहे थे अपन, ऑलमोस्ट 80-90 100 तक देख रहे थे बस भाई, पर वो भी बहुत रिस्की है, वो भी बहुत रिस्की यार, मत बस हाथ जोड़े भाई, हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ लिए भाई, हाथ जोड़ लिए गाइस। ये रोड लेकिन रियली मनुष है, कल भी एक एक्सीडेंट नहीं रिकॉर्ड हुआ था, अपन ने देखा ही था कल एक एक्सीडेंट गाइस, हमारा रैंडमली गोप्रो ऑन था, कल भी एक एक्सीडेंट रिकॉर्ड हुआ, आज भी एक एक्सीडेंट रिकॉर्ड हुआ है। तो यार इस रोड पे तो आना छोड़ना पड़ेगा अपन को, एक आध दिन अपनी वीडियो नहीं बन जाए यहाँ पे बैठे बैठे, गलत बोल रहा हूँ तो गाइस, कोई दूसरा बड़ा मोटा ब्लॉगर अपनी वीडियो बना के डाल दे भाई, जो था हमारा बस वो उतना ही था गाइस, जो भगा ली जो जैसी भगाई सही भगी खत्म। और गाइस अब देखो कभी भोड़ वगैरह में नहीं आएंगे हम लोग की भाई, मैं डरता हूँ नहीं डरता भाई, सब डरते हैं गाइस, अभी देख के तो बहुत डर गया भाई मैं, बहुत ज़्यादा डर गया। चलो अपन चलते हैं, चलो कोई मतलब नहीं भाई, 5% भी मतलब नहीं है अरे काम पे, वो तो इंसान थोड़ा समझ रहे हो ना, होड़ में समझदार बन जाता है, लेकिन बाकी उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो गाइस चलते हैं अब। तो गाइस आज दो तीन चीज़ कड़ी देखकर एक्सीडेंट भी देख लिया है, तो हमारी दोनों की पूरी मस्ती उतर गई है, नहीं उतरी तो पूरी बॉडी कांपने लगी थी वो गाड़ी और ऑटो की हालत देखकर गाइस बहुत। तो ऋषि भाई अभी अपन कहाँ जा रहे हैं भाई, मेरा बहुत दिनों से मन हो रहा था कि इस पे रेजिग्नेशन लिखवाऊं गाड़ी पे अपनी। तो गाइस जैसे अपन ने अपनी बेबो में लिखवा के रखा है ना क्लासी मोटो वर्ल्ड गाइस, वैसी भाई को भी यहाँ रेजिग्नेशन लिखवाना है, तो गाइस जाते हैं रेडियम की दुकान, वहाँ अपन रेजिग्नेशन लिखवाते हैं। तो चलो गाइस। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियो दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं, जाने मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा, कौन समझाए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही जैसा। A few moments later. तो गाइस आ गए हम लोग शॉप पे, और भैया के शॉप पे यहीं से अपन ग्राफिक वगैरह हमेशा कराते हैं गाइस, मेरी गाड़ी से भी यहीं पे लिखवाया था मैंने। तो गाइस अपनी जो पल्सर है गाइस वो नेक्ड है, तो गाइस बहुत कुछ सोचना पड़ता है क्योंकि गाइस जो नेक्ड रहती है ना गाइस उसमें ज़्यादा जगह नहीं रहती लिखवाने की। तो गाइस अभी अपन ने सोच के रखा है कि अपन इसके और इसके अंदर लिखवाएंगे वाइजर के अंदर, तो यहाँ पे अपन @ वो मतलब यहाँ पे यूट्यूब का लोगो और यहाँ पे रेजिग्नेशन, तो गाइस काफ़ी अच्छा लगेगा गाइस। इसके बाद सेकेंड अपने पास ऑप्शन ये आ जाता है साइड का, तो लेकिन यार साइड का अपन इतना माइंड नहीं करते कि यार साइड में इतना अच्छा भी नहीं लगेगा और इतना यहाँ पे कोई देखेगा भी नहीं, भैया बोल रहे थे यहाँ का, लेकिन अपन ने सोचा किसी वित्ते के बीच में लिखवाएंगे। तो गाइस ग्राफिक्स वगैरह हो ही रहे हैं, एंड गाइस ये शॉप है रंग महल के पास शॉप है, इस शॉप का आप नाम भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे ग्राफिक वगैरह करते हैं भैया है। तो गाइस करवा लेते हैं अपन ग्राफिक फिर मिलते हैं। Thousand years
लेते हो। तो गाइस ग्राफिक वगैरह सब कुछ करवा के आ चुके हैं। तो गाइस ऋषि भाई की अपनी गाड़ी ये है, इसमें अपन ने डेस्टिनेशन लिखवा लिया है एंड गाइस अपनी एक्सेस क्लासी मोटरबाइक ऊपर लिखा ही हुआ है। तो गाइस रियली दोनों बीस्ट लग रही हैं और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं एंड गाइस दोनों ही गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है यार भाई। 125 सीसी का इंजन है इसमें, लेकिन यार रियली पावर बहुत ज़्यादा है इसमें रियली। गाइस मैं अभी तक NS 125 में बैठा नहीं था, कभी 200 पे बैठा हूँ, 160 पे बैठा हूँ, लेकिन यार ऐसा लगता था सोचने में कि ऋषि भाई 125 का भक्ति नहीं है, गलत बोल रहा हूँ, लेकिन यार जो अभी समझ में आ रहा है ना बहुत प्यारी भग रही थी रियली, काफ़ी अच्छी भगी। ABS है क्या ऋषि भाई इसमें? ABS है ना, तो गाइस इसमें ABS वगैरह भी है। कंफर्म नहीं पता बट हाँ कंट्रोलिंग उसी की तरह है। तो गाइस कंफर्म भाई को भी नहीं पता, लेकिन कंट्रोलिंग एक नंबर है गाइस। वीडियो देखना आप, इतनी प्यारी कंट्रोल हो रही है, मतलब 190 से 100 से टोटल एकदम 40-30 तक, मतलब एकदम कवर अप अच्छा कर रही थी, कंट्रोल अच्छी हो रही थी। और गाइस बेबो भी अपनी एकदम साफ सुथरी करी है। तो यार अब घर जाने का भी हम लोगों के टाइम आ गया है गाइस, अभी तो हम लोग घर नहीं जाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे उसके बाद हम लोग घर निकलेंगे। लेकिन यार अब चाय वगैरह पीने का इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि क्या गाइस ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना ऋषि भाई, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड गाइस बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एंड गाइस दोनों यूट्यूब चैनल के नाम आपको सामने दिख जा रहे हैं, तो गाइस बोलने की जरूरत ना पड़े, जल्दी से आगे सर्च करके सब्सक्राइब कर देना दोनों को। और गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए टाटा गुड बाय। जूता गंदा हो गया गाइस भाई का, टाटा ब्रो, बाय बाय, सभी लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना। और गाइस अपनी और गाइस अपनी इंस्टाग्राम पे भी जाकर जल्दी जल्दी फॉलो कर देना गाइस, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा एंड गाइस कमेंट सेक्शन पे भी पिन कर दूंगा। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।